बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लकी न्यूज़ टीवी के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन, अहम खबर दे रहे हैं आपको। अज़रबैजान हुकूमत पर एटम बम मार दिया जाए, ये कहना है आर्मीनिया अखबार का। अहम खबर दे रहे हैं आपको कि अज़रबैजान की शिकस्त के बाद आर्मीनिया में शदीद गम व गुस्सा और इश्तियाल पाया जाता है, और इस हवाले से अमरीका में शाये होने वाले आर्मीनिया अखबार ने अपने दारिये में एटम बम के इस्तेमाल पर जोर दिया। मजीद है, गुज़िश्ता दिनों 6 हफ्तों की लड़ाई में आर्मीनिया को अज़रबैजान के हाथों भगदड़ उठाना पड़ी और 3 दहाइयों से काबिज आर्मीनियाई फौज को नगोर्नो काराबाग में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस शिकस्त के बाद अवन माहदे के तहत कई बड़े शहर आर्मीनिया को खाली करने पड़े, जिनमें एग्जाम और लाचिन शामिल है, जबकि आर्मीनियाई इमाम अवाम के हुकूमती माहदे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, लकी न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नज़ीर मुझे बताएं कि इस हवाले से अमरीका में शाये होने वाले आर्मीनियाई अखबार असबारीज ने इदारे में अज़रबैजान शिकस्त का बदला लेने की तरगीब दी है और एटम बम के इस्तेमाल की जरूरत पर जोर दिया। मजीद ये कि अखबार के इदारे में कहा गया है कि आर्मीनियाई हुकूमत अज़रबैजान के खिलाफ कोई भी जोरी हथियार इस्तेमाल करे और अज़ीज़ दारुलहुकूमत को बाको को गले हजार 5,000 के लिए बंजर बना दे। मजीद ये कि दूसरी जानब अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में अज़रबैजान के कौंसलर जनरल ने अखबार के इदारे पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया और मकामी इंतजामिया से अमरीकी कवानीन के तहत तहकीकात का मुतालबा भी किया है। मजीद ये ख्याल है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में सबसे ज्यादा जानी नुकसान आर्मीनिया का हुआ, इसके हजारों फौजी मारे गए। इस माहदे में तय पाया कि आलमी सतह पर नगोर्नो काराबाग अज़रबैजान का तस्लीम शुदा इलाका है, तहम इस पर आर्मीनिया के कबाइली गिरोह ने आर्मीनी फौज के जरिए कई सालों से कब्जा कर रखा था। तनाजे पर हाली लड़ाई सितंबर में शुरू हुई थी और तकरीबन 6 हफ्ते जारी रही, और जारी रहने वाली जंग में सैकड़ों अफराद हलाक हुए, जिसमें आर्मीनिया के तकरीबन 2317 फौजियों की हिलाकत की तस्दीक हुई, जो नए चौपड़ियों के बाद बलाखिर गुज़िश्ता दिनों रूस के मामले से अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन माहदा हो गया। इस अमन माहदे को अज़रबैजान की फतह भी करार दिया जा रहा है। मजीद ये कि माहदे के मुताबिक आर्मीनिया कब्जे से हालिया जंग में छाए गए इलाके अज़रबैजान के पास ही रहेंगे और दीगर नवाही इलाकों से भी आर्मीनियाई फौज पीछे हट जाएगी। मजीद आपको बताया कि ये वो इलाके हैं जहाँ 1994 में आर्मीनी फौज के कब्जे से कबल हजारों अदरी मुसलमान आबाद थे और इन्हें मजबूरन यहाँ से अज़रबैजान के महफूज इलाकों की तरफ हिजरत करना पड़ी। माहदे के तहत इलाके में रूसी फौज के अमन दस्ते 1960 एहलकार का काराबाग भेजे गए थे, जो दोनों ममालक में अमन कायम रखेंगे, और इस वाले तुर्की भी अपनी अमन माहदे में फौजी किरदार अदा करेगा। इस माहदे के बाद मस्कूरा इलाके में रूसी फौज मौजूद है और अदरी सदर के मुताबिक तुर्की भी इस इलाके में क्याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करेगा और इसके भी अमन दस्ते यहाँ तैनात हो गए। अहम खबर दे रहे हैं आपको कि अज़रबैजान के दारुलहुकूमत पर एटम बम मार दिया जाए, ये कह रहा है आर्मीनी अखबार का। नाज़रीन, मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।